नमस्ते बच्चों, 5.2 का चौथा क्वेश्चन देखिए। 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। चौथा क्वेश्चन किए थे, चौथे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, सॉरी तीसरे क्वेश्चन में। अब चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुआ है एपी 3, 8, 13, 18, ठीक है। का कौन सा पद का 78 है, 78 है, ठीक है। एपी करता है समांतर श्रेणी 3, 5, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए प्रथम पद, हल लिखेंगे यहां पर। प्रथम पद कितना दे रखा है इसमें, प्रथम पद ए 3 यहां लिखेंगे। उसके बाद लिखना है सार्वअंतर, सार्वअंतर को डी बोलते हैं, यहां लिखेंगे डी। डी का मान कितना दे रखा है इसमें, इसका सूत्र होता है A2 - A1। A2 कितना है 8, A1 कितना है 3, कितना आ जाएगा 5। तो D का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और ये AN दिया हुआ है, AN कितना दिया हुआ है 78 दे रखा है। AN ज्ञात करने का सूत्र होता है A+N-1D=ये 78 दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, इसमें अपने को n ज्ञात करना है, कौन सा पद लिखा हुआ है ना, n ज्ञात करेंगे। a का मान कितना दिया हुआ है 3, ये मान जी लिखते जाओ यहां पर, ठीक है। और यहां साथ में याद करते जाना, प्लस n नहीं है, a d का मान कितना आया 5 लिख दीजिए और बराबर में 78 कर लीजिए। फिर याद करो यहां पर 3 + 5 की गुणा कर लो, 5n - 5 बराबर में 78 हो गया। 5n - 5 में से +3 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, बराबर कितने हो गए 78। ये 5n तो यहीं रह जाएंगे, ये माइनस का 2 है उधर चला जाएगा, 78 + 2 हो जाएगा ये, ठीक है। यहां भी या, ये ध्यान रखना, यहां पर या साथ में लिखते जाना, फिर या 5n बराबर में 78 + 2 कितने हो गए 80, n बराबर कितना जाएगा 80/5, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। तो 16वां पद होगा, 16 × 5 = 80 होता है ना, तो 16वां पद होगा वो 78 होगा, कौन सा पद होगा 16वां पद। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, बहुत सरल क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देख लीजिए। पेपर में इसी तरीके से आपको करना है, सारा लिखना है, प्रथम पद सार्वअंतर, ठीक है, ये सूत्र लगा के और n ज्ञात करना है आपको। अब हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे, चौथा क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन था, अगला देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, पांचों ने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है ना, n ज्ञात करना है इसके अंदर भी। इसका पहला क्वेश्चन है 7, 13 और 19 और यहां आगे लिखा हुआ है 205, ठीक है। a कितना इसमें प्रथम पद, यहां लिख देंगे प्रथम पद कितना दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है 7। अब लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर को डी बोलते हैं हम लोग, डी कितना हो जाएगा 13 - 7 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और ये ए एन दे रखा है, ए एन कितना दिया हुआ है अपने पास में 205, इसमें भी आपको एन ज्ञात करना है। ए एन ज्ञात करने का सूत्र होता है A+N - 1 ब्रैकेट बंद या फिर D और ये 205, ये सूत्र याद रखना आप लोग। फिर ये या करके A का मान कितना दे रखा है अपने को 7, प्लस N याद करना है N - 1, D का मान कितना आया 6 आया, बराबर में 205। 7 + 6 से गुणा कर लीजिए, 6N - 6 = 205। अब ध्यान देखिए,
सात में से छह जाएंगे एक बचेगा, प्लस का एक बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है ध्यान रखना, और बराबर में क्या आ जाएगा 205। अब ध्यान देखिए छह अंत यही रह जाएगा, ये 205 ये प्लस का एक है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का एक हो जाएगा, तो या करके 6n बराबर 205 में से एक जाएगा 204 बचेगा, ठीक है। तो n तो यही रह जाएगा 204 बटा कितना आ जाएगा 6, n बराबर कितना आएगा 204 में 6 का भाग लगाइए, 6 3 18 दो बच गए 24, 6 4 24 n बराबर कितना आ जाएगा 34 आंसर आ जाएगा, ठीक है। n बराबर कितना आएगा 34 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें तो कंप्लीट हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सरल क्वेश्चन, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी n ज्ञात करना है आपको। इसका दूसरा क्वेश्चन पांचवे का दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें लिखा हुआ है 18 15 सही 1/2, फिर इसने लिखा हुआ है 13 और डैश डैश करके उसके बाद लिखा है माइनस के 47 लिखा हुआ है। ए प्रथम पद कितना होगा इसमें बताइए, प्रथम पद ए कितना होगा 18, सार्व अंतर कितना होगा, सार्व अंतर डी 15 सही 1/2 माइनस 18। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं ध्यान रखना, 15 2 30 और 1 31/2 और माइनस 18/1 कर लीजिए, एलसीएम लीजिए 2, ठीक है 31 तो आ ही जाएगा, 18 2 36 हो गए, माइनस का 5/2, तो डी का मान कितना आएगा माइनस का 5/2 आएगा, क्योंकि 36 में से 31 जाएगा 5 बचेगा, माइनस संख्या बड़ी है 36, तो माइनस 5/2 आएगा। अब हम ए एन अपने को दे रखा है, कितना दिया हुआ है माइनस का 47 दिया हुआ है, ए एन सूत्र पता ही है अपने को, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर में माइनस का 47, या करते रहना है, एरो भी लगा सकते हैं या भी लगा सकते हैं ध्यान रखना है। ए का मान कितना है अपने पास में 18 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है माइनस 5/2 ध्यान रखना है, इसको ऐसे लिखना है 5/2 ब्रैकेट में और बराबर माइनस का 47, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 18 प्लस माइनस 5/2 को आप n से गुणा करिए तो माइनस का 5/2 n आएगा, तो यहां पर क्या आएगा माइनस का 5/2 n हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 के 1 में गुणा करेंगे 5/2 ही आएगा, और बराबर में ये माइनस का 47 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको n वाले तो ये रख लेते हैं, बाकी सब उधर ले जाते हैं, माइनस या करके माइनस 5/2 n तो यही रह जाएगा, बाकी सब उधर ले जाओ, माइनस का 47 उतार लो, उसके बाद देखिए प्लस का 18 है ना उधर जाएगा, तो माइनस का 18 आ जाएगा ध्यान रखना, और ये प्लस का 5/2 है उधर जाएगा, तो माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 सारे माइनस के हो जाएंगे ये। अब ध्यान देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, माइनस का 5/2 n बराबर एलसीएम ले लीजिए 2 आ जाएगा सभी में, तो ये देखो 2 से गुणा कर लीजिए कितना आएगा 2 7 14 2 6 8 9 माइनस का 94, फिर ये माइनस का 18 36 माइनस 5, ठीक है, फिर या करो माइनस का 5/2 n और ये सारे काउंट कर लीजिए, सभी जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं ध्यान रखना, ठीक है ना, 36 और 5 41 होते हैं, और माइनस 94 में 41 जोड़ लीजिए, माइनस का 94 है और माइनस का 41 है, जोड़ लीजिए 4 1 5 9 4 13 माइनस का 135, माइनस का 135 बट्टा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, अब अपने पास में बचा 5n बराबर 135, ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से,
दो से दो कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो 5n = 135। n तो यही रह जाएगा, 135 बट्टे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो n का मान कितना आएगा, 135 में 5 का भाग लगा दीजिए, 5 दूनी 10 होते हैं, 3 बच गए, 35 हो गए, 5 7 35, n बराबर कितना आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा, एकदम राइट आंसर आया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम पांचवे के अंदर दो ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब हम छठा क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन है, क्या एपी लिखा हुआ है, क्या एपी 11852 का एक पद, का एक पद -150 है क्या, और है तो क्यों, ये भी याद करना आपको, क्यों वाला भी याद करना। ठीक है, ए कितना हो जाएगा प्रथम पद इसमें 11, ध्यान रखना ये। ठीक है, डी आप याद कीजिए, 8 - 11 कितने हो जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। ए एन अपने को दे रखा है माइनस का 150, ए एन का सूत्र लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर में -150। ठीक है, अब देखिए इसमें ए कितना है 11 लिख दीजिए, या कर लो यहाँ पर, ए कितना है 11 प्लस एन याद करना है एन माइनस ए, डी का मान कितना है आपका अपने पास -3 आया था, -3 ऐसे लिखो इसको, और माइनस का 150, 11 इसको इससे गुणा कर लीजिए, -3 को एन से गुणा करिए, माइनस का 3 एन हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 बराबर माइनस का 150 हो जाएगा। ठीक है, 11 + 3 कितने हो गए, 14 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 14 - 3n बराबर माइनस का 150, माइनस का 3n तो यहीं रह जाएगा, माइनस का 150 है, ये प्लस का ये 14 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, माइनस का 3n है बराबर, इसको जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे 164 माइनस के, माइनस के कितने हो जाएंगे 164 हो जाएंगे, ये 3 - 3n को -3n -3 एकदम सही है, ध्यान रखना यहाँ पर, -3 को n से गुणा करें -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 + 3 11 और 3 = 14 -3n ये -150 एकदम सही चल रहे हैं, और प्लस का 14 उधर जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, समान चिन्ह जुड़ते हैं, 164 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अब अपने पास में लिखेंगे या भी लिखते रहना साथ साथ, या फिर या करो, 3n बराबर में 164, n बराबर कितना जाएगा 164/3, n बराबर भाग लगा दीजिए 164 में 3 का, कितना जाएगा 164 में 3 का हम भाग लगाएंगे तो कितना पॉइंट बट्टे में आ जाएगा 164 में, देख लो यहाँ अलग लगा के 164 में 3 का भाग दो, 3 × 15 कितना बच गया 1 = 14, 3 × 12 2 बच गए, 54 सही 2/3। ठीक है, तो बट्टे के ऐसे इस तरह कोई संख्या नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे क्योंकि माइनस 150 है, ये ऋणात्मक अंक है, इसीलिए ये इसका माइनस 150 पद है ना, ये ऋणात्मक अंक है, ये नहीं होगा, इसका आंसर आपको क्या लिखना है, नहीं होगा, लिख देंगे माइनस 150 ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका पद फतेह है, माइनस 150 क्या लिख देंगे, पद नहीं है, पद नहीं है, अतः माइनस 150 पद नहीं है, नहीं आंसर आ जाएगा इसका। तो ये छठा क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, अब इस तरह अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से,
अब हम सातवां क्वेश्चन करेंगे। सातवां क्वेश्चन देखिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ए 31 ज्ञात करना है आपको, ठीक है। 31वां पद ज्ञात, जिसका 11वां पद 38 है। ए 11 बराबर 38 लिखा हुआ है, ठीक है। और 16वां पद 73 है। ए 16 बराबर कहता है 73 दे रखा है अपने को, ठीक है। और 31वां पद अपने को याद करना है। देखो ए 11 होता है ना, ए 11 38 दे रखा है। ए 11 को लिख सकते हैं ए प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। और ये ए 16 दे रखा है ना, ध्यान रखना ए 16 73 है। इसको अपने इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना ए प्लस 15d बराबर 73 हो जाएगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, एक होगी, ये दो होगी। इस दो नंबर समीकरण को इस एक के नीचे लिख दीजिए, ए प्लस 15d बराबर 73, ये समीकरण दो, ये ध्यान रखना। इसको समीकरण यहाँ अलग भी लिख सकते हो, इसमें ए प्लस 11 था ना 10d बराबर 38, ये समीकरण एक होगी, ये दो होगी, ये वापस यहाँ उतार लिए, ध्यान रखना मैंने, ठीक है। अब ध्यान से इसको आप यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ लिखना समीकरण एक व दो से, एक व दो से। अब देखो चिन्ह चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस का 5 लिएगा, 15 में से 10 जाएंगे तो कितने 5, माइनस का 5d बराबर 73 में से 38 घटा लीजिए, 73 और 38 घटाना है अपने को, 13 में से 8 गए 5, यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 35 आ गया, माइनस का 35, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो 5d बराबर कितना आएगा 35, तो d बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, ध्यान रखना d बराबर 35 बट्टे में 5 कितना आ जाएगा 7 आंसर है, d बराबर कितना आ गया 7 आंसर आ गया, d बराबर 7 या d बराबर 7 समीकरण नंबर एक में रखना है, किस में रखना है, एक में रखना है, d बराबर 7 समीकरण एक में रखने पर। समीकरण नंबर एक कौन सी, ये ए प्लस 10d बराबर 38, ए का मान कितना है, ए तो अपने को 7 दिए हुआ है, ए डी दे रखा, सॉरी ए प्लस 10 डी का मान 7 बराबर 38, ए प्लस ये 70 हो जाएगा बराबर 38 हो गया, ए बराबर 38 माइनस 70। आप देखिए घटा लीजिए, 70 में से 38 जाएंगे कितने बचेंगे, 10 में से 8 गए 2 बच गए, यहाँ 6 में से 3 गया 3 बच गया, माइनस का 32, ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 32 आएगा, डी बराबर कितना आएगा 7 आएगा। अब अपने को ए 31 याद करना है, देखिए शुरू में दे रखा था ए 31 याद करना है, इसका सूत्र होता है ए प्लस 30d, ए का मान कितना आया था माइनस 32, माइनस 32 लिख दीजिए प्लस 30, और डी का मान कितना था 7 था, इसको 7 ऐसे लिख दीजिए, माइनस का 32, 7 21 होते हैं ना 210 आ जाएगा। अब ध्यान रखना 210 में से 32 घटाने आपको, 210 कितने घटाने हैं 32 घटाओ इसमें से, 10 में से 8 दो जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ 0 20 में से 3 गए कितने बच गए 17, 178 31 वहां पद कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में ये सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मित्रों को शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद।